लोकसभा चुनाव को लेकर के जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसको लेकर के अलग अलग विभाग अपना काम कर रहे हैं। एडीएम धरासिंह मीना ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी संख्या में मतदान सामग्री और कर्मचारियों को लाने और लेकर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी। इसको लेकर के लगातार काम किया जा रहा है। जो गाड़ियों की जो हमें शुरुआत में जो ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स और जो अलग अलग जो चुनाव प्रकोष्ठ बने हुए हैं उसमें जो अधिकारी हम बुलाते हैं, उनके लिए जो गाड़ियां लेनी थी वो हमने एक्वायर कर ली और जो सेक्टर ऑफिसर्स को फील्ड में उनको भेजा गया गाड़ियों के माध्यम से। कुछ गाड़ियाँ फिर चूँकि निर्वाचन आयोग की तरफ से डायरेक्शन था कि आप, चूँकि एक लंबा पीरियड है सेक्टर ऑफिसर्स का करीब 2 महीने का, तो उनको रोटेशन वाइज कुछ गाड़ियां हमने फ्री करके और उनको रोटेशन वाइज भेजा जा रहा है। जहां तक जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी गाड़ियों की जो अधिग्रहण करना पड़ेगा वो है मतदान दिवस के दिन जो पोलिंग पार्टी जाएंगी उनके लिए गाड़ियाँ वाहन अधिकृत किए जाने हैं। तो उसमें सभी तरह के वाहन रहेंगे, कुछ बड़ी बसें रहेंगी, कुछ मिनी बस रहेंगी, इसके अलावा जो 7 सीटर अपने व्हीकल है वो भी कई जगह ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी उसका आकलन किया जा रहा है, लगभग 2000 वाहनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।